लेकिन आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि जो बात कंगना ने रोहित को बोली थी वो आज खुद ही बन चुकी है। ना वो घर की रही ना घाट की, हर जगह से बेइज्जती करवाने के बाद फाइनली इन्होंने बीजेपी से भी बेइज्जती करवा ली। वेरी गुड यार, सुनना चाहता कैंट लग रही है गल। बीजेपी वर्सेस कंगना रिटर्न वार्निंग करते हैं चेक बई भी की गल हो या की नहीं। सो बिना टाइम खराब किए शुरू कर दें इसकी यह। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कंगना के कारनामों की। क्या आपको याद है 2021 में कंगना ने फेमस क्रिकेटर रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता बोला था? मुझे इस बात का काफी बुरा लगा था बिकॉज रोहित इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि जो बात कंगना ने रोहित को बोली थी वो आज खुद ही बन चुकी है। ना वो घर की रही ना घाट की, हर जगह से बेइज्जती करवाने के बाद फाइनली इन्होंने बीजेपी से भी बेइज्जती करवा ली। तो हुआ ऐसे की वेरी गुड यार, सुनना चाहता कैंट लग रही है गल। थोनू पता ही है भी ये कई बंदा दे ना कर्मा ची फेटे मुंह लिखी होंगी है, उन्होंने चारे पास कुत्ते खाने लिखी होंगी है, उही एदा हाल है बस। जब कंगना अपनी मूवी की प्रमोशन कर रही थी उस टाइम एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने एक झूठी स्टेटमेंट दी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, जिसमें उसने फार्मर्स को रेपिस्ट और मर्डरर्स बोला। अब आप आयरनी देखिए, बोल भी कौन रहा है, रेपिस्ट और मर्डरर्स को तो इनकी पार्टी बेल दे देती है। खैर आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसने बोला क्या था। जो बांग्लादेश में हुआ ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। जब वो जिहड़े रेप हो रहे हैं वो तो थोड़े तो लौट नहीं आते हैं, आज जिहड़ियां आए दिन घटनावां हुई जांदियां हैं वो तो थोड़े तो रोकियां नहीं आंदियां। फार्मर प्रोटेस्ट च झूठा आरोप लाई जाने तुसीं, कोई सबूत नहीं लैणा देना नहीं, उत्थे दा सारे सबूत देंगे तुहानूं, उन्हां नूं सज़ा देणा पहलां। किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना अमेरिका इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। आतंकवादी कहने लगी जी, आतंकवादी फिर इन्हें शक्तियां गया। इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कंगना ने कभी नहीं सोचा था। बीजेपी ने उसे एक ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट में वार्निंग दी है, जिसमें वो बोल रहे हैं, लेट मी रीड इट फॉर यू। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के प्रपक्ष में दिया गया बयान पार्टी की मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार का कोई भी बयान भविष्य में ना दें। तो बेसिकली यहाँ पे कंगना को शट अप बोला गया है। बेचारी कंगना, इतनी चरण वंदना करी उसने, हमारा तो पूरा लाइफ खराब हो गया। हमारे जो प्रधानमंत्री है उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही यार चट्टे मारने भी कोई हद होती है, जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। और बदले में क्या मिला? अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अचानक से वक्त कैसे बदल गया, जज्बात कैसे बदल गए, और मोदी जी कंगना के खिलाफ किसानों के फेवर में कैसे आ गए। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही कंगना है जिसने किसानों को उग्रवादी बोलते हुए उन्हें इंदिरा गांधी का टाइम याद दिलवाने की बात करी थी। इसने बोला था कि मोदी यार इन्हें कोई एक्शन नहीं होता है ना, देख लो कही इंदिरा गांधी का टाइम याद करा दूंगी, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इन्हों कोई होनी। जे इतने कोई उठ के कह दे, पंजाब का पुत उठ के कह दे है ना, मतलब अलग कंट्री की गल करते हैं, कुछ भी गल करते हैं, औखा हो के तो उन्होंने उदो ही चक लेंदे अगर। मोदी जी जैसे इंदिरा गांधी ने इनको मच्छरों की तरह मसल दिया, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस हेटफुल स्टेटमेंट के बाद भी बीजेपी ने कंगना को टिकट दी और आज वो भाजपा की सांसद है, तो उससे साफ साफ पता चल रहा है बीजेपी को फार्मर्स की कितनी परवाह है। तो आप ये बात तो भूल जाइए कि ये वो किसानों के लिए कर रहे हैं। हाँ ये कोई होर गल होगी, इन्हों पढ़ा पढ़ा था कि इन्होंने करना किसानों का। बाकी ये जो वार्निंग मिली है कंगना को, इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ।
रीजन नंबर वन ये है कि बहुत जल्द हरियाणा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हम सबको पता है हरियाणा एग्रीकल्चरल स्टेट है, वहाँ के 70% लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। अब कंगना की इस रीसेंट स्टेटमेंट के बाद जब बीजेपी के पॉलिटिशियंस हरियाणा में वोट मांगने जाएंगे तो वहाँ के किसान तो अच्छे से खातिरदारी करने वाले हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सही गल है, इसीलिए सिचुएशन को संभालने के लिए ये पैच वर्क किया जा रहा है। अब दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये वार्निंग दी गई है इज बिकॉज कंगना ने अपनी स्टेटमेंट में चाइना और अमेरिका का भी नाम लिया है, जो कि एक काफी बड़ी गलती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमेरिका हमारा क्लोजेस्ट एलाय है, इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, एंड एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस अमेरिका ने इंडिया की हेल्प भी करी है। दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, लेकिन इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के होते हुए भी चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया और चाइना की ट्रेड पार्टनरशिप $118 बिलियन की है फाइनेंशियल। हाँ वैसे भी पंगा लेके तो राजी नहीं है चाइना नाल, तुहानू पता ही है ना, जो पाकिस्तान ना कोई लड़ाई हो जाती है जो कोई डिस्प्यूट हो जाता उत्ता कहते हैं कि सारे कमेंट जो करते होंगे भी चक दो जी ए कर दो पाकिस्तान को, ये कर दो वो कर दो, है ना हमला कर दो, है जदों उ रौला पै जाता चाइना नाल फिर कहते हैं कि इन्हों समान बंद कर दो, इन्हों तो कुछ लेना नहीं को देना नहीं गा, है ना। ईयर 2024 में चाइना ने यूएस को भी सरपास कर दिया और वो बन गया इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, जिस वजह से हम चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस खराब करना नहीं चाहते। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ही रहें, लेकिन कंगना का एक बयान ये सब कुछ बर्बाद कर सकता था। उनको शायद ये भूल जाता है कि अब वो आईटी सेल की मेंबर नहीं रही, अब वो रूलिंग पार्टी की चुनी गई सांसद हैं। ऐसे में अगर वो बिना बात के किसी कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाएंगी, उन्हें स्लैम करेंगी, दैट स्टेटमेंट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट कंट्री एंड इंडिया। इसीलिए भाजपा को सफाई देनी पड़ी कि हुण ओह एक कुर्सी ते बैठी है ना, एक लेवल ते बैठी हैगी, ते उनू सोचन लगी पहला अंगला कम नहीं हैगा, है ना भी मुँह खोलिया कोई मर्जी बगता ते सारा कुछ चल जूगा, हुण ओह कम नहीं होना, हुण जिहड़ा कुछ भी बोलूँ उहदा बहुत ज़्यादा वड्डा असर हो सकदा, है ना। रूलिंग पार्टी आ, है ना, रूलिंग पार्टी की संसद हैगी आ, उह दूजे देश तो यही समझणगे, है ना भी इन्हां दी पार्टी साडे बारे ये विचार रखदी आ। इसको कुछ नहीं पता, ये हमारे नीतिगत विषयों में नहीं बोल सकती और इन फ्यूचर ना ही बोले तो अच्छा है। बट यू नो यहाँ पे सारी गलती कंगना की भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब उसका पर्सनल ओपिनियन है तो आप गलत हो। इट्स नॉट हर ओपिनियन, ये असल में बीजेपी का ही नैरेटिव है। अगर आप इन राइट विंग यूट्यूबर्स की पिछले 2 हफ्ते पुरानी वीडियोस देखें तो ये लोग आपको यार गंजा यार ना ये नहीं हटदा पंगे लेनो, उन वीडियोस में यही चीजें बोलते हुए दिखाई देंगे कि कैसे बांग्लादेश में जो हुआ वो अमेरिका और चाइना की साजिश थी, और ऐसी ही साजिश इंडिया में भी हो सकती है। सो इट्स नॉट कंगनाज फॉल्ट, उसको गलती से किसी ने आईटी सेल वाली स्क्रिप्ट दे दी और कोई बात नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यही सेम चीज गौरव ठाकुर ने भी बोली थी। क्या बांग्लादेश के इस हाल के बाद अगला नंबर इंडिया का है? बहुत कम लोग ये चीज पे नोटिस कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा था वो इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है, इतना ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्टेटरशिप का नैरेटिव चलना, फार्मर्स प्रोटेस्ट होना, मणिपुर वॉयलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल रिलेटेड। आज बांग्लादेश की जो भी हालत है उसका एक अच्छा खासा रीजन, और एक्चुअली मैं द मेन रीजन चाइना अमेरिका। फिर यही सेम ओपन लेटर ने भी बोला, यूएस चाहता है कि वो चाइना को तो कॉर्नर करे, भारत को भी इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट फील ना करने दे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर इतना ज्यादा उसने इंटरफेयर किया। उसके बाद हम श्याम शर्मा को कैसे भूल सकते हैं, ही वाज नरेटिंग द सेम स्टोरी। यूएसए शायद भारत और बांग्लादेश को काट कर एक बफर स्टेट बनाना चाहता है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कुकीज और मेहतीज के बीच में, उसमें भी जो क्रिश्चियन कुकीज हैं उनको अलेजेडली CIA से मदद मिल रही है। हम बात करेंगे ब्रावा तू जाके आदिवासी ते लादन ओदी लोड़ा आ केड़ियां कम्मां च पिया के अभी एंड न्यू की। मुझे लगा था ये लोग सुधर गए होंगे, लेकिन कहां, वो सुधरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी पिछली वीडियो तारीफ की थी जेमी ने इनदी, अपनी वीडियो में सेम ही चीजें बोली। फॉरेन इंटरफेरेंस कोई जोक नहीं है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट का उपयोग करके रेजिम चेंज करना अनफॉर्चुनेटली कोई नई बात नहीं है, सो टू स्पीक ये काफी कॉमन CIA टूलकिट है।
अब आप देखिए, सभी राइट विंग यूट्यूबर्स एक ही टाइम पे उसी नैरेटिव को पुश कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि अमेरिका की या चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में, या उसके तख्ता पलट में इनका कोई हाथ था। यहाँ पे सबूतों के बिना सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई है जो कि आप लोगों को सुनाई जा रही है। अब ध्यान से सुनिए ये बोल क्या रहे हैं। अब लोग ये भी कहने लगे कि उन प्रोटेस्ट में भी CIA का हाथ था। कुछ लोगों का मानना है कि मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कुकीज और मेथीज के बीच में, उसमें भी जो क्रिश्चियन कुकीज हैं उनको अलेजेडली CIA से मदद मिल रही है। इन्होंने क्लियरली बोला कुछ लोग ये मानते हैं। लोग ये भी कहने लगे, कुछ लोग तय भी कहते हैं छो परे वीडियो 18 प्लस हो जाएगी। पर हाँ, इन्नी की गल जरूर है कि लोग तो बहुत कुछ कहते होंगे, जब तो तुम ये कहो भी हाँ असं ये गल कह रहे हैं या सानू पता लग्या वो सोर्सां तो, मतलब यह तो वह गल होगी ना भी फलाने ने आ कहता तो की कह यार, चलो छो परे अगे देख देंगे ना, गलत हो जाएगा कम। लोगों का मानना है, अब अगर कुछ लोग ये मानते हैं तो क्या वो बात सच हो गई? ऐसे तो बहुत सारी assumptions हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, उससे क्या अर्थ फ्लैट हो जाएगी? दिस इज जस्ट स्टूपिड। अब मुझे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो वो थ्योरीज सुनाएं, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज से है दे क्लेम टू बी इंफॉर्मेशनल चैनल और इन्फॉर्मेशन के नाम पे आपको ये बकवास कहानियां सुना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दा पापा, कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं है। मोदी जी प्लीज आप ही इन्हें समझाइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये चैनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि शेख हसीना का खुद का बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अगर अमेरिका को शेख हसीना से इतनी ही प्रॉब्लम होती तो वो उसके बेटे को अमेरिका में रहने देते। और दूसरी चीज, चाइना और अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे नहीं है। चाइना इज नॉट एन ally ऑफ अमेरिका, वेल इंडिया इज। ऐसे में अमेरिका चाइना के साथ मिलके इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा? कोई सेंस है इस बात की? बाकी मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ऑपोजिशन को जॉर्ज सोरोस पैसे देता है अमेरिका से। और जॉर्ज सोरोस से ये बिलियनेयर किसी भी हालत में इंडिया में गवर्नमेंट गिराकर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहता है, एक ऐसी गवर्नमेंट को जो यूएस के लिए बेनिफिशियल हो, जो यूएस के लिए बिकी भी हो। नो, इंडिया में प्रोटेस्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग एक्चुअली में परेशान हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही, लोगों के पास नौकरी नहीं है, वुमेन आर नॉट सेफ, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर हफ्ते या तो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर ग्राउंड लेवल पे इनको सॉल्व नहीं किया जाता तो ऐसे प्रोटेस्ट होते ही रहे। हाँ, तुसी बस इन्हां दीआं समस्यावां सुनो, उन्हां नूं हल करो, जे फिर भी प्रोटेस्ट करी जांदे आ फिर तां तुसी फिर भी कह सकदे हो इह किसी होर देश दी साजिश आ जां कुछ भी आ। उन्हां दीआं मंगां ने, जनरल मंगां ने, तुसी उह पूरियां करो, ठीक है। अगले आपके घरे तुर जाएंगे, जी की करता है धुप च इतने प्रोटेस्ट करेंगे। और यही सच है, आप चाहे जितना मर्जी एंटी नेशनल चिल्लाते रहो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअली में काम करना पड़ेगा, बिकॉज द होल नेशन वॉन्ट्स टू चेंज फॉर बेटर। ये प्रोपेगेंडा वीडियोस कुछ टाइम के लिए एक क्विक फिक्स का काम कर सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में जब सभी आपसे सवाल करेंगे तब किस किस को एंटी नेशनल बोलोगे? सो भाई, यह सी वीडियो बहुत वधिया तरीके समझाया गया है जिम्मी वालों। ये वीडियो के जिन्हें जिन्हें हाल तक नहीं देखी, आप लिंक देवे डिस्क्रिप्शन दे जाके चेक जरूर करो ये वीडियो। तो ये कुड़ी हमेशा पंजाब के हक च बोलती होंगी है बई, सो इस करके बई वो सपोर्ट करो जे आप वाधू आटू चैनल जो होंगे है ना, उन्होंने भी देखी जाने जे ये पंजाब के हकों की गल करते चैनल, इन्हों वो सपोर्ट कराया करो, आपके होर यार दोस्तों कह के भी सबसक्राइब कराया करो चैनल में। सो बस यही सी अपनी अज की वीडियो, बहुत वधिया काम किया जिमी ने, बाकी कंगना ना ही होनी चाहिए सी, तो पता लग गया उन्होंने भी हूँ भी बोलना मैं सोच समझ के प्या करना है, पहला वाला काम नहीं रहा भी जोड़ा को मूँह चाहता गा उ बोल दो। तो बाकी कुल मिला के वधिया सी यार वीडियो, तुम दसो भाई थोड़ू किमें लगी, वधिया लगी लाइक कर दो, चैनल कर दो सबसक्राइब, फिर मिला क्या नवी वीडियो के नाल, धन्यवाद।